चार नंबर है गतिमान आवेश और क्या चुंबकत्व। चुंबक किसे कहते हैं, पहले आपका ये क्वेश्चन आता है। तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे वस्तुओं को अपने क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। जो उत्तरी ध्रुव होता है उसको यान को जब एक पास करते हैं तो समान ध्रुव होता है तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुव होता है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ये ध्रुव के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कोई पूछेगा तो चुंबकीय बल रेखा भी काल्पनिक रेखाएँ होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में जाकर मिल जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में कोई पूछेगा, चुंबकीय बल रेखा जो एक दूसरे को क्या करती है, कभी नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएँ जो चुंबक के पास होती है तो प्रबल होती है, और चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। ये विकास मेरे हम पढ़ाओ तो नहीं तो निचवा क्या देखा था बोला हम मुँह की देखा ना क्या बोला था नहीं। अरे कभी उस इंसान को भी देखा करो जो इंसान तुम्हारे जीवन को बनाने का प्रयास करता है, कभी उसको भी तरफ देखा करो तभी ना जीवन बनेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा अब का आयतन बता दीजिए, चुंबकीय बल रेखा याद हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी याद होगा, धारावाहिक प्रणाली का भी याद होगा कि अगर हम लोग अचालक है उसके ऊपर तार लपेट दे जोड़ दे और जब इसके अंदर धारा बहता है इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, चुंबक। उसके बाद से कहा है आगे बढ़ो, हाँ चुंबकीय क्षेत्र और स्टेट का प्रयोग तो क्या होगा ना, और स्टेट के प्रयोग में आप एक तार लीजिए, क्या लीजिए तार, और तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रख दीजिए और जब इसके अंदर धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई क्या होती है, घूम जाती है, बिछे बुट बन जाता है। इसे सीध होता है कि यदि हम लोग तार में वही धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और बोलो चलो आते हैं बायोसावर्ट का नियम। अगर आ गया तो छोड़ेंगे क्या आप लोग स्टेट का प्रयोग, चाहे बायोसावर्ट का नियम वही बात कहते नहीं अपने में जाकर 15 क्वेश्चन में बायोसावर्ट का नियम आ जाओ। कहा नियम है याद है, अरे बी बराबर बी जीरो बटा 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। भुलाओगे क्या इसको, भुला जाओगे मेरे नियम को तुम भुला तो न दोगे, ये बात आपकी है। चलिए एक तार आप ले लिए, क्या ले लिए, छोटा सा काल पांच ले लीजिए और इसको आप डेल्टा एल दिखा दीजिए। यहाँ से एक बिंदु पी ले लीजिए, इसी पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। और इसके बीच की दूरी क्या मान लीजिए आर, यहाँ पर कोण क्या मान लीजिए थीटा, यहाँ पर धारा बह रहा है आई, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लीजिए बी। ए भाई जब धारा बही तार में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ना, तभी तो चुंबकीय सुई बता रहा था। और सुनो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के क्या होता है, समानुपाती समीकरण नंबर एक है, इसे देख के लिखा जा रहा है। पहले लिख मत देना, पहले लिख मत देना तो मास्टर वा काट दी, पहले आप सीध करिएगा तब उसको लिखिएगा, समझ रहे हो। तो बी समानुपाती आई समीकरण नंबर एक, बी समानुपाती डेल्टा एल समीकरण नंबर दो, और बी समानुपाती साइन थीटा समीकरण नंबर कितना 3, और बी समानुपाती एक बटा आर स्क्वायर समीकरण नंबर 4। और तब आप लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से समीकरण 1 कमा करके 2 कमा करके 3 कमा करके 4 से कभी समानुपाती आई डेल्टा एल जितना ऊपर वो ऊपर है और नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, तभी बराबर हो जाएगा समानुपाती म्यू जीरो बट्टा 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। चलिए ये आपका हो गया, ठीक हो गया, बी बराबर म्यू जीरो 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। इस तरीके से आपका कहाँ हो जाएगा सीधा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो जाएगा सी, देख लो लिखे होंगे काफ़ी तो। आप बताइए बायोसावर्ट का नियम का प्रयोग अनुप्रयोग होगा, हाँ सीधा जाएगा देख लो। चलिए खूब आज जाकर वीडियो देखिएगा जो पढ़े हैं, अब तो अभी पेपर देंगे ना फास्ट ट्रे आपको पढ़ाएगा। हाँ बोलिए आप बायोसावर्ट का नियम का, किसी भी कुंडली के केंद्र पर या धारावाही जो कुंडली होता है उसके केंद्र पर या वृत्तकार जो पास होता है उसके केंद्र पर जब भी चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा केंद्र पर कितना होगा, तो इसके बीच की दूरी तार मान लीजिए केंद्र पर बताना है। तो पहले बायोसावर्ट के नियम से बी बराबर म्यू जीरो 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। और सुनो कहानी कहाँ होगा, बी बराबर म्यू जीरो 4 पाई आई और जब वृत्तकार पास बा तो एक परिधि कितना होता है डेल्टा एल के मान 2 पाई आर, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर और साइन 90° के कोण बनी हो बटा में आर स्क्वायर, सही लिख देंगे। अब आ गया बी बराबर म्यू जीरो 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई आर साइन 90 का मान 1 नीचे आर स्क्वायर, स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से पाई 2 से 4 2 बी बराबर म्यू जीरो आई
अपान टू आर, इस तरीके से सीधा आप कर सकते हैं। वहीं एक बार एक अच पर का होता है तो अच पर भी सिद्ध किए होंगे, म्यू जीरो हैंग ऑन अच के अनुदिश तो बी बराबर म्यू जीरो यन आई ए स्क्वायर अपान टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके ऊपर तीन बटा दो, ये भी आप सिद्ध किया नहीं है, मुझबानी याद रखिएगा सर। ओकर बाद से आपका होगा एम्पियर का परिपथीय नियम, देखिए देख लिए वही है ना। अच्छा बताइए एम्पियर का परिपथीय नियम आपको याद है का? अच्छा मुंह से बोल रहे हैं कि कॉपी में देख के, तो मुंह से बोल रहे हैं, नकल वकल दिमाग में मत रखिएगा। चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम का, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देख लो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात के चुंबकशीलता और धारा के गुणनफल के बराबर, इसको याद रखना निर्वात के चुंबकशीलता, म्यू जीरो का कहते हैं निर्वात के चुंबकशीलता, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात के चुंबकशीलता और धारा के गुणनफल के क्या आता है बराबर आता है, बात समझ में आई? तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात के चुंबकशीलता और धारा के गुणनफल के क्या आता है बराबर होता है, यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होगा, कोई दिक्कत? अच्छा एम्पियर का परिपथीय नियम का तनिक अनुप्रयोग आ जाओ, एक दिया गया होगा कि एक समान सीधे तार के, अच्छा इसको सीध भी करने के लिए कहेगा हो जाएगा का कहेंगे बताओ। देखो पहले आप तो यहाँ से आपको याद होगा कि जो रेखीय समाकलन बी इंटू डी एल देख रहे हैं, जब इसको तोड़ेंगे तब बी इंटू डी एल के रूप में टूट जाएगी, और आपने चित्र भी बना देना इस तरीके से कि धारा जा रही है वृत्त है इस तरीके जा रही है, इसके त्रिज्या कितना है आर है, और आपका करिएगा बी के जगह पर टू पाई म्यू जीरो आई, सीधा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर, और जब वृत्त की परिधि कहेगा तो डीएल के लिए बता लेकिन आया टू पाई आर, टू पाई से टू पाई कैंसिल तो आ तो गया समाकलन देखिए समाकलन बी डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई, और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अच्छा चलो इस तरह एक आपका होगा उसमें दिया गया होगा टोराइड, पहले धारावाहिक परनल का होगा, धारावाहिक परनल का कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछता है तो बी बराबर अपने को म्यू जीरो यन आई अपान यल, ऐसे लिखे होंगे या यल नहीं लिखे होंगे तो म्यू जीरो यन आई लिखे होंगे, यही तो आपको सीध कराया गया था, हो जाएगा सीध। अच्छा उसके बाद से टोराइड है तो वही परनल को घुमा कर क्या करता है गोलाकार बना लेता है, परनल का बनाना होगा तो है ना बनाना, परनल का को तो ऐसे बनाया जाता है लेकिन टोराइड जो होता है इस तरीके से आपका होता है, तब हैंगे गोलाई को खींच दीजिए लेकिन यहाँ पर बोला टोराइड आपका बन गया, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो देखो कैसे निकाला जाता है, ये लिख लो बी इंटू डी एल बराबर क्या होता है म्यू जीरो आई, आपसे पूछा जा सकता है टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए तब बी जगह पर वहीं रही आर डी एल के जगह कहा जाएगा टू पाई आर बराबर म्यू जीरो आई यहाँ पर टू पाई आर बराबर बने हम बी बराबर म्यू जीरो आई अपन का आ गया टू पाई आर, इतना आप करा तो बी बराबर म्यू जीरो बटा में टू पाई आर, ये टोराइड के कारण है आप लिखे भी होंगे ठीक है। अच्छा और कुछ है उसमें देखो तो तनिक लॉरेंज बल का देखिए बहुत सिंपल है, तुम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब कोई पिंड चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है गति करता है, कोई पिंड है और उसके ऊपर जो बल काम करता है उसे क्या कहते हैं लॉरेंज बल, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है तो कैसे लगाना है, लॉरेंज बल बराबर है बराबर क्या होता है क्यू वी बी, अगर न्यूमेरिकल आ गया होगा तो छोड़ेंगे आप ना, क्यू को क्या कहते हैं आवेश, अभी को क्या कहते हैं बी, बी कहते हैं बी को क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा का मान तो आपका दिया होता है, आप बोलिए और क्या दिया है लॉरेंज बल को बोल चला बल आगुण चुंबकीय आगुण बल आगुण वही होता है जो आप पढ़े थे टा बराबर पी ई साइन थीटा, चुंबकीय आगुण कहेगा तो टा बराबर एम बी साइन थीटा होता है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा एक लास्ट टॉपिक उसमें होगा देखो दो समांतर तारों के बीच लगने या उत्पन्न होने वाले, आज का अंतिम टॉपिक इसी के साथ समाप्त, बल का सूत्र, आप दो तार लेंगे एक तार में धारा आई वन चलेगा, उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है देख लेना, एक तार में क्या चलेगा आई टू,
इसके बीच की दूरी क्या होगा आर। तो सुना हो बाबू, पहला तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होगा, पहले तार में बी पढ़े थे ना, बी बराबर होता है म्यू जीरो आई वन अपान टू पाई आर, समीकरण नंबर एक मान लेना। ठीक है, देखा जब पहला तार में धारा प्रवाहित करवा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई तो इतना हो जाएगी। अब दूसरे तार में उत्पन्न बल, दूसरे तार में उत्पन्न बल, सुना बल बराबर का है एफ बराबर बी आई एल, यदि साइन नब्बे होगा तो साइन नब्बे का मान एक हो जाता, छोड़ दो। लेकिन जब पहला तार में धारा प्रवाहित कर जाता है तो दूसरा तार में क्या उत्पन्न हुई बल, तो जो पहला बल उत्पन्न होगा तो यह बराबर क्या होता है बी आई एल, तो जब दूसरा तार में बात बी टू आई टू आजन इधर आई जन धारा जोने में उत्पन्न होता बल, पहला तार में चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो यह बी वन लिखा जाए, तो बी वन का पाई पूरा रखा जाओ म्यू जीरो आई वन अपान टू पाई आर, और आई टू वैसे ही रख लेना, आई एल जैसे वैसे ही रख देना, तो यह बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई वन आई टू एल अपान टू पाई आर। और इससे भी आप इस फार्मूला का भी प्रयोग करके आप न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट आपका हुआ लेसन नंबर चार तक। चलिए बाकी आपका अंग्रेजी का कल पेपर है तो कल अंग्रेजी पर आ जाएगा पूरा। चलिए।